आज सिखाने वाला हूँ मैं बेगम साहबा को मोटर। रही है बेगम साहबा, आटे वाला हल। ये है क्लच, ठीक है। जब तक इसको दबा के रखोगी मोटरसाइकिल नहीं हिलेगी। मार केक मार। हाँ शाबाश, बस ठीक है, चाबी लगी हुई है। हाँ हाँ शाबाश। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शिनो फैमिली व्लॉग्स, और आज सिखाने वाला हूँ मैं बेगम साहबा को मोटरसाइकिल, क्योंकि हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। ये देखो, अभी अभी मैं आया हूँ काम से, अभी फ्री होकर मैं आया हूँ। आज पहली दिहाड़ी लगी है काफ़ी अर्से बाद, और बेगम साहबा से मैंने पहले दिन ही काम करके पहले दिन ही फरमाइश कर दिया, और वो कौन सी फरमाइश है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लो जी, हाँ बना रही है बेगम साहबा आटे वाला हलवा। आटे वाला हलवा, ये देख लो। और सलाम नहीं करना आज व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ मेरे साथ बहन भाई ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। आज हम बना रहे हैं आटे वाला हलवा। मैंने इसे कहा जाओ सूजी ले आओ, ये कहते सूजी नहीं ले आता, आटे वाला हलवा बनाओ। ये देख लो, बस आज दिल था आटे वाले हलवे का। और हलवा बनाने के बाद बेगम साहबा सीख रही हैं आज मोटरसाइकिल, और वो भी आप लोगों ने जरूर देखना है। आज इसको मैं ट्राई देने वाला हूँ, मोटरसाइकिल सिखा रहा हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास टाइम नहीं होता। ये खुद बर्फ ले आएगी, खुद सौदे ले आएगी, खुद सब्जी ले आएगी, मोटरसाइकिल इसको सिखा के मेरी जान छोड़ जाएगी। तो वो भी आपने जरूर देखना है। तो ये देख लो हमारा आटे वाला हलवा तैयार हो रहा है सबसे पहले। तो अगर आप दोस्तों ने भी खाना है आटे वाला हलवा, तो हमारी तरफ से आपको इजाजत है, आप आ सकते हैं। ये कितनी मेरे ख्याल में जल्दी बन जाएगा ऐसे ना? हाँ जल्दी बन जाएगा। तो ये जल्दी बन जाएगा। चलो ये जैसे ये तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको व्यू दिखाऊंगा इसका, क्या कहते हैं फाइनल लुक। हाँ फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगा। जल्दी करो बेगम साहबा, मोटरसाइकिल बस आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तो क्या पके नहीं पाई? चावल। ये आटे वाला हलवा है, चावल नहीं है। तो दोस्तों हलवा हो चुका है तैयार, ये देख लो कितने मजे का बन चुका है हलवा, माशाल्लाह। और ये शहीन देखो, हलवा मैं बनवा रहा हूँ अपने लिए, और शहीन पहले से तैयार हुई। शहीन ये हलवा खा से तू जल्दी बना बहन भाई, इंतजार में कि ये कब मोटरसाइकिल चलाएगी। शाबाश शाबाश। तो दोस्तों मौसम आप देख सकते हैं, ये कल रात का ऐसे है, ना सूरज निकला है, ना चांद निकला है, ना तारे निकले हैं, बस ऐसे ही खड़ा है, ना बरस रहा है, ना कुछ। और जो हब्बस जिसको बोलते हैं वो भी बहुत ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली बेगम साहब आप चलाने वाली हैं मोटरसाइकिल। ये देख लो, ये है क्लच, ठीक है। जब तक इसको दबा के रखोगी मोटरसाइकिल नहीं हिलेगी, ठीक है। और ये रेस है, बाकी ये चाबी लगी हुई है। पहले केक मार, ऊपर बैठ। शाबाश। हाँ सीधे करना है इसको। हाँ शाबाश। क्या है उधर, स्टैंड भी पीछे कर ले, ये स्टैंड ये वाला। हाँ डरना नहीं है ना। चलो चलो केक मार, केक मार। हाँ शाबाश, बस ठीक है, चाबी लगी हुई है। हाँ हाँ शाबाश। हाँ जोर लगा के, जोर जरा रेस ही दो ना, रेस रेस थोड़ी सी दो। हाँ हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, रेस दे। हाँ शाबाश, डरना नहीं है। हाँ रेस रेस दे, बंद ये बंद हो जाएगी ना, रेस दे जरा। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, जरा जोर लगा के रेस। चलो रुक मैं। हाँ अब ठीक है, अब इसको दबा। हाँ रेस कम नहीं करनी, चल जोर की केक मार। हाँ जोर की। ये देखो मोटरसाइकिल स्टार्ट तक नहीं हो रही, पता नहीं कब सीखेगी। फाइनली मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चुकी है, आप क्लच को दबा लिया ना, बस ये बंद कर दे, ये रेस काम नहीं करनी। चल दोबारा केक मार, शाबाश। आज देखते हैं कि बेगम साहबा मिशन में कामयाब होती है या नहीं। जोर जोर लगा के केक मारेगा ना, जोर। क्लच दबा, पल्ले रख,
चलो बस तेरी प्रैक्टिस काफी है। तो ये कामयाब अभी नहीं हो सकती है, एक तो हमारा कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, और यकीन जानो ये सिर्फ मोटरसाइकिल पर बैठकर सिर्फ किक लगाई है इसने, और इसका जो इसका सांस भी फूल चुका है। कैसे तो फिर कैसे सीखना या नहीं सीखना? और पसीन देखो जैसे जैसे कोई फौजी मिशन पे जा रहा हो वैसे इसका पसीना आ चुका है। तो ठीक है, हम फिर हलवा एंजॉय करते हैं फिलहाल, तो फिर वो भी दिखाते हैं कि हम वो किस रोटी तो नहीं है ना, मेरे ख्याल में अकेला हलवा ही है ऐसे, तो रोटी हमने नहीं बनाई दोपहर को, थोड़ा दिल भी नहीं था रोटी खाने का, तो ये हमारा हलवा बन चुका है। तो अगर आप लोगों ने भी खाना है ये देख लो तो हमारे साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। हमारा हलवा तैयार हो चुका है और हम इसको कर रहे हैं अब एंजॉय, और शाहीन भी हमारे साथ जुड़ चुकी है और बेगम साहब अभी आ चुकी है, तो अब हम खा रहे हैं हलवा। और ये समीर भी अभी नींद से जागा है, हम हलवा खा के फारिग हुए हैं, और ये अभी जागा है समीर बेटा। तो ये रोने लग गया कि अम्मी अब्बू कहाँ गए, तो मैं इसको मोटरसाइकिल सिखा रहा हूँ। मजे की बात बताऊँ, आज मैंने मोटरसाइकिल चलाया तो गिर गया। कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, वरना मजे का सीन बनता है। ये गिरी है बहुत मजे की, इधर इधर जगह भी है इधर, क्योंकि इधर नीचे चला गया था ये पैदान फिर ये गिर गई। तो ये आज की छोटी सी शेयरिंग थी, हमने कहा चलो थोड़ा बहुत रोने धोने के अलावा इंटरटेनमेंट भी हो जाएगी, यार आप हमारी सपोर्ट क्या करें तो हमारा दिल खुश होता है। वो एक बर्फ वाली वीडियो हमने बनाई थी बेगम साहबा ने, तो उसकी निशानी ये है कि बेगम साहबा ऐसे हाथ में कपड़ा पकड़ हुआ है ऐसे करके खड़ी है, वो थंबनेल है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैंने बेगम साहबा के लिए ये चीज़ लेने के लिए 12 किलोमीटर का सफ़र किया। तो वो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, वो बड़ी ट्रेंडिंग पर जा रही है, तो उस पर आप देखिएगा, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो देखिएगा कि कौन सी चीज़ उस वीडियो को आगे लेकर जा रही है, वो किस किस्म का व्लॉग बना हुआ है, तो इस आपको भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो क्या है, क्या हुआ बेटा? इसने मोटरसाइकिल में हाथ दिया या कुछ ना कुछ जरूर किया, हाथ आगे दिखा में कितना आता है, बस थोड़ी सी इसको चोट लग जाए। तो चलो हम इसको चुप करवाते हैं, तो आज का व्लॉग हमारा यहाँ तक था, उम्मीद है कि आप दोस्तों को पसंद आया होगा, कल नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कहना करें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, आख वाल वीडियो बंद करे इसमें, आख अल्लाह हाफिज, आख ना अल्लाह हाफिज, आख।